अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अब्दुल वाजिद। तो मैं आज आपको बताऊंगा शंघाई इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी चेंज कर। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्म हो सके। तो मैं आपको बताऊंगा चेंज कर डिस्कस शंघाई इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी। तथा कौन सी है चेंज कर यूनिवर्सिटी ने शंघाई इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी। तो ये स्टूडेंट डिग्री कोर और मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टाइप क्या है, फुली फंडेड मीन साहब की हर चीज उसमें फ्री है, ठीक है। तो मंथली अलाउंस क्या होगा, 3000 फॉर मास्टर एंड 3500 आरएनबी फॉर पीएचडी। आपको जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स क्या है, आप एक सबसे पहले आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब चाइनीज नेशनलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज फॉर मास्टर ऑफ 35 और फॉर पीएचडी 40 इयर्स का होना लाजमी है। यहाँ पे मास्टर के लिए असिस्टेंस लेटर लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है, जिसके थ्रू आप फॉर पीएचडी स्टूडेंट वो पीएचडी स्टूडेंट ने आपसे मतलब असिस्टेंस लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आप उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको सीएससी का फॉर्म फिल करना है, ये एजेंसी नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आया तो आज मेंटेनेंस की वजह से सीएससी का मतलब पोर्टल काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने सेकंड वीडियो में पहले डिफाइन किया हुआ है कि कैसे आपको सीएससी पोर्टल पे आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप सब अपलोड कर लें। इसकी फीस है 800 आरएनबी, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम में जो आपको पहले फिल करनी है, ठीक है। और आपको कैसे पे करनी है फीस, तो सबसे पहले लिए अकाउंट दिया हुआ है, इसके थ्रू आप फीस जमा करा सकते हैं, ठीक। तो डॉक्यूमेंट इसके लिए कौन कौन से, सबसे पहले तो आपको सीएससी का फॉर्म बीगेट कैटेगरी में फिल करें, ठीक है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करें और शंघाई इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसका फॉर्म फिल करें। सबसे पहले और उसके जो डॉक्यूमेंट कार्ड है, कॉपी ऑफ हाईएस्ट डिग्री जो आपकी मतलब डिग्री है वो आपकी नोटराइज होनी चाहिए। नोटराइज कहाँ से करवानी है, नोटराइज आपको और से करवानी, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट जो बैचलर और मास्टर की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट जो मास्टर स्टूडेंट है उसकी 800 होनी चाहिए और पीएचडी 1500। उसके बाद आपके पास टूर रिकमेंडेशन लेटर इंग्लिश में हो या चाइनीज में, सही है। उसके बाद पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आप फोटो का भी होनी चाहिए, आईडी कार्ड फोटो ऑन वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप ने जहां पे मास्टर या बैचलर किए वहां से आपको वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं इसको शंघाई इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई से करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, या पे आके सबसे पहले आपको अपनी ईमेल देनी है, उसके बाद पासवर्ड जो आपने रखना चाहे और वो कंफर्म पासवर्ड जो आपने रखा है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन है आपको कोड डालना है। जैसे रजिस्टर करेंगे तो वो आपको ईमेल में लिंक सेंड करेंगे, जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करके उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसके बाद शंघाई कौन सीएससी के अलावा कौन कौन सी स्कॉलरशिप दे रही है,
तो ये था आज के लिए, और थैंक यू फॉर लिसनिंग।